नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। वर्बल जीके भी ट्रिक का ये 18 पार्ट है और हरियाणा जीके का ये सेकंड पार्ट है। तो विशेष क्या है कि हरियाणा जीके के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है और ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के जीके हम हरियाणवी में करने की कोशिश करेंगे, प्योर हरियाणवी भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हरियाणा के अंदर भी प्योर हरियाणवी यूज़ नहीं होती, मिक्स लैंग्वेज मिक्स बोली हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हरियाणवी भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मिक्स सी, ताकि एक सरल सी जो हम आम बोलचाल में जो यूज़ करते हैं हम वही बोली वही लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे ताकि हम जल्दी से याद कर सकें। बात ख़त्म, हम काम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है कि लोक राज लोक लाज से चलता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन देख लेते हैं कि बंसीलाल चौधरी, बंसीलाल भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा भजनलाल। अब याद कैसे करें उस पर आते हैं। एक छोटी सी लाइन बना लेते हैं कि लोक राज लोक लाज तय चाल है, भजन करण तय कुछ नहीं होता। लाला जी कि लोक राज लोक लाज तय चाल है, भजन करण तय कुछ नहीं होता। लाला जी मतलब क्या है, भजन और लाला मतलब भजन लाल, लाला मतलब भजन लाल, और ये जो स्टार्टिंग में है लोक राज लोक लाज ये हमें क्वेश्चन में से ले लिया। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, मतलब महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की स्थापना कब की गई। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1976, 4 अप्रैल 1977, 15 अगस्त 1975। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 19 अप्रैल 1976। अब याद कैसे करें उस पर आते हैं। तो आप देखिए MDU की स्थापना कब की गई, क्वेश्चन ये है। तो MDD को देखते हैं पहले, ABCD मतलब अल्फाबेट में ये इसका जो स्थान होता है फोर्थ होता है, मतलब क्या है, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मतलब फोर्थ अप्रैल। पहली बात तो ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी, अप्रैल में हुई थी। अब आता है M को देख लेते हैं। अब हम M तो M की MDU मतलब M की पोजीशन होती है 13, तो 13 होती है, एक बात पर ध्यान रखें। तो हमारा आंसर क्या था, 19 अप्रैल 1976। तो अब 7 और 6 को जोड़ लेते हैं, पीछे की जो ले लेते हैं अंक, 7 और 6 कितने होते हैं 13, और 13 की पोजीशन M की पोजीशन 13 होती है, मतलब 1976 हमारा आंसर है, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि सराय अलावर्दी गांव की मस्जिद कहां पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, सोनीपत। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा गुड़गांव। तो एक छोटी सी कन्फ्यूजन भी दूर कर लेते हैं कि मस्जिद कालू सराय भी एक मस्जिद है, कि कालूसराय की एक मस्जिद है वो कहाँ पर है, वो दिल्ली में है, और ये क्या है, सराय अलावर्दी मस्जिद ये गुड़गांव में है। हमारा क्वेश्चन क्या था, सराय अलावर्दी गांव की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, गुड़गांव। अब याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं। एक छोटी सी लाइन देख लेते हैं कि गुड़ खाकर इस गाँव के सभी लोग लुगाई वर्दी पहन अल्लाह तक प्रार्थना करन जावस है इस मस्जिद में, बस ये लाइन याद करनी है। तो देखते हैं कि गुड़ और गांव मतलब गुड़गांव, और सभी लोग वर्दी पहन मतलब वर्दी वर्दी को डिनोट करता है, और अल्लाह मतलब अल्लाह को डिनोट करता है अल्लाह वर्दी, और मस्जिद मस्जिद को डिनोट करता है। हम ऐसे करके इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है, प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, फरीदाबाद। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र। तो हम याद कैसे करें उस पर आते हैं, छोटी सी लाइन बना लेते हैं। लाइन क्या है कि किसकी पूजा करूं इस क्षेत्र में तो लक्ष्मी और नारायण दोनों के मंदिर मिले से, हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ, किसकी पूजा करूं इस क्षेत्र में तो लक्ष्मी और नारायण दोनों के मंदिर मिले से, हम ऐसे करके एक छोटी सी लाइन से हम याद कर सकते हैं। तो किसकी पूजा करूं मतलब पूजा करूं इस क्षेत्र में, तो मतलब कुरुक्षेत्र और लक्ष्मी नारायण और मंदिर को डिनोट करता है, ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। अब आता है कि हरियाणा में बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती है। ऑप्शन देख लेते हैं, हाथ, पैर के पंजे, कमर, नाग। तो हमारा जो आंसर रहेगा पैर के पंजे। तो हम याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं
ये तो वैसे फीमेल को याद भी रहता है कि ये आभूषण है, लेकिन मेल की बात है जिनको पता नहीं होता कहाँ पर होती है, तो हम उसके उनके लिए बना लेते हैं छोटी सी लाइन, ए बिच्छू लड़िया, हम ऐसे कर लेते हैं, ए बिच्छू लड़िया पैर का पंजामा है, ए बिच्छू लड़िया पैर का पंजामा है अब आभूषण कित पहनूंगी। तो मतलब क्या है यहाँ पर, बिच्छू ए मतलब बिच्छू, ए बिच्छू ए बिच्छुए को डिनोट करता है, लड़िया पैर में मतलब पैर में पहना जाता है, पैर के पंजामा मतलब पैर के पंजामे में पहना जाता है, और आभूषण आभूषण को डिनोट करता है। उसके बाद आता है कि सूर्य ग्रहण, हाँ सूर्य ग्रहण पर भारी मेला कहाँ पर लगता है, कि सूर्य ग्रहण पर मेला कहाँ पर लगता है, ऑप्शन देख लेते हैं हरियाणा के अंदर, कि कुरुक्षेत्र करनाल पंचकुला पानीपत, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र। तो हम याद कैसे करें, उसमें जाते हैं छोटी सी लाइन बना लेते हैं के करूं जब इस क्षेत्र में मतलब कुरुक्षेत्र, के करूं जब इस क्षेत्र में सूर्य का ग्रहण लागे से, के करूं इस क्षेत्र में जब सूर्य का ग्रहण लागे से तो लोगों का भारी मेला लागे से, मतलब के करूं इस क्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण लागे से तो लोगों का भारी मेला लागे है। तो मतलब क्या है, जब के करूं मतलब कुरुक्षेत्र, ये क्या है सूर्य ग्रहण, सूर्य का ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण को डिनोट करता है, मेला मेला को डिनोट करता है, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पाथरी माता का मेला हरियाणा में किस जिले में लगता है, पाथरी माता का मेला हरियाणा में किस जिले में लगता है, ऑप्शन देख लेते हैं, सोनीपत पानीपत फरीदाबाद कुरुक्षेत्र, पानीपत हमारा आंसर रहेगा। तो पाथरी को यदि हम पथरी पढ़ लेते हैं, पहली बात तो ये पथरी पढ़ लेते हैं तो क्या रहता है कि पथरी, पथरी में क्या बताया जाता है, पहले ये दिमाग पे लगाए कि डॉक्टर कहता है कि भाई पानी पियो खूब ताकि पथरी निकल जाए, दूसरी बात होता है कि पत्थर चट खाओ, याद हो तो आपको पत्थर चट खाने की भी सलाह हो जाती है, सिस्टोन गोलियां होती हैं। तो हम एक छोटी सी लाइन से याद कर लेते हैं कि माता अपनी आप अपनी माँ को बोल रहे हैं कि माता देखो पाथरी माता का मेला पूछा है हरियाणा में किस जिले में लगता है, हमारा आंसर था पानीपत। अब याद कैसे करें उसको आते हैं कि माता, पहले आप माता को बोल रहे हो कि माता पथरी हो तो जम कर पानी पीना चाहिए, अपनी माँ को आप बोल रहे हो कि माता पथरी हो तो जम कर पानी पीना चाहिए और पत्थर चटके पत्ते भी खाने चाहिए। ये देखो जी माता माता को डिनोट करता है, पथरी पाथरी को डिनोट करते हैं, और पानी और पत्ते यदि इकट्ठा दिखे तो पानीपत आपका आंसर रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि केथल के पास, हाँ केथल के पास कुद भीम सॉरी केथल के पास कुद्र मतलब उग्र भीड़ ने रजिया बेगम का कत्ल कब किया। देखो हम रजिया बेगम की बात आ जाती है तो हरियाणा की जो तैयारी करता है उसको ये तो याद ही रहता है कि भाई केथल के अंदर इनकी वह क्या है समाधि है, मतलब इनका जो क्या बोलते हैं समाधि स्थल कहाँ पर है इनका, रजिया बेगम का केथल के अंदर, लेकिन हम सन भूल सकते हैं और सन ही पूछा गया है कि केथल के पास उग्र भीड़ ने रजिया बेगम का कत्ल कब किया, 1160 ईस्वी में, 1260 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में, 1245 ईस्वी में। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1240 ईस्वी में। अब याद कैसे करें उस पर आते हैं, तो हम एक छोटी सी बात दिमाग में ले लेते हैं कि जो रजिया बेगम थी वो 12th पास थी, बस एक तो बात यहाँ पर शुरू कर लेते हैं कि जो हाँ रजिया बेगम 12th पास थी, हमारे दिमाग में ये आ जाए कि जो पहली शासिका थी वो क्या थी 12वीं पास थी, तो मतलब 1200 से शुरू होता है, पहली बात तो ये 1240 में मृत्यु हुई थी। तो हम एक और देखो पहले हम पढ़ लेते हैं एक लैंग्वेज फिर मैं आपको बताऊंगा, रे बोले रजिया 12वीं पास थी, रजिया बेगम कि रे बोले रजिया 12वीं पास थी और उसकी डेथ नॉर्मल ना थी, मतलब मारी गई थी और उसकी डेथ नॉर्मल ना थी। तो डेथ मतलब क्या है कि डी की पोजीशन चार होती है, तो मतलब चार आ जाता है 12 और 4, 1240 में से 12 और 4 आ गया, और नॉर्मल डेथ ना थी। तो हम एक बात देख लेते हैं भाई जीरो की गुना किसी के साथ करें तो जीरो बन जाता है, डेथ नॉर्मल ना थी मतलब मर गई जीरो हो गई, मतलब 1240 में इसकी डेथ हुई थी। और
12वीं पास थी, हमने कहा तो 12 आ गया, और डेथ मतलब डी से हमने 4 ले लिया और सबले ख़त्म हो गई। तो जीरो से किसी की भी गुना कर देते हैं तो वो जीरो ही हो जाता है, मतलब लास्ट में जीरो है, 1240 इसका आंसर है। उसके बाद आता है कि थानेसर का प्राचीन नाम क्या था, थानेसर का प्राचीन नाम क्या था, ऑप्शन देख लेते हैं। स्थानी, वीश्वर, थानेसर, थानीसर, थनसरी। देखो भाई, थानेसर का प्राचीन नाम पूछा जाए तो थानेसर तो हो ही नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन कट गया, थानेसर तो कभी सुना ही नहीं, थनसिर भी नहीं सुना, ये है स्थानी वीश्वर है इसका आंसर। तो हम इसको कैसे याद करें उसको देख लेते हैं। तो थाना ने एक छोटी सी लाइन बना लेते हैं कि थाना ने सर पे ले गए, मगर उर्दम उठा रखा है किसी ने कि थाना ने सर पे ले गए इस स्थान पर, थाना ने सर पे लेकर इस स्थान पर नाचेगा के, हम ऐसे बोल देते हैं कि थाना ने सर पे लेकर इस स्थान पर नाचेगा के ईश्वर सब देखे से नाम बदनाम करण करण लाग रहा, नो बोल देते हैं कि थाना ने सर पे लेकर इस स्थान पर नाचेगा के ईश्वर सब देखे से, ईश्वर सब देखे है नाम बदन करण लाग रहा, बस ये देखना है। तो हम देख लेते हैं कि थाना स्थानेश्वर में से मतलब थानेसर, मतलब थानेसर, थानेसर मतलब थाना ने सर पे लेकर, मतलब थानेसर, थानेसर को डिनोट करता है। तो इसका जो प्राचीन नाम है क्या है, स्थान, स्थानेश्वर, तो हम इसको स्थान, स्थान, स्थान पर लेते हैं, स्थान हरियाणवी में, पर इस स्थान पर नाचेगा के ईश्वर मतलब वर थानेश्वर, थान स्थानेश्वर इसका जो प्राचीन नाम है, सब देखे से नाम बदनाम करने लग रहा, मतलब नाम, नाम को डिनोट करता है कि ये नाम स्थानेश्वर इसका। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।